Do you know which are the top states in India for doing business? If not, then this is for you. बिफोर गोइंग टू द लिस्ट, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स पे डिसाइड होता है. सो इसके लिए 2020 में एक प्लान बनाया गया था जिसको कि ब्रैप कहते हैं, बिजनेस रिफॉर्म्स एंड एक्शन प्लान. ये प्लान कवर करता है मोर देन 300 रिफॉर्म पॉइंट्स एंड अक्रॉस 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ केयर, लीगल मेट्रोलॉजी, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. और एक और पॉइंट यहाँ पे, अभी तक क्या होता था कि स्टेट्स को रैंक दिया जाता था 1, 2, 3, 4, लेकिन अब से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है ऑफ सिमिलर परफॉर्मिंग स्टेट्स. सो ब्रैप के अकॉर्डिंग स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. और सबसे पहली है टॉप अचीवर्स, इसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना. दूसरी है अचीवर्स कैटेगरी, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. थर्ड कैटेगरी है एस्पायरर्स की, जिसमें कि आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल. एंड द फोर्थ वन इज एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी, जिसमें कि आते अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी एंड त्रिपुरा. लेकिन इस रिपोर्ट की ज़रूरत कहाँ पे होती है या फिर इससे फ़ायदा क्या होता है स्टेट्स को ऐसे कैटेगराइज करके उनका रैंकिंग देने में? इस रिपोर्ट का सबसे मेन गोल ये होता है टू बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. सो इससे बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमॉन्ग द स्टेट्स. कॉमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपका स्टेट कौन सी कैटेगरी में आता है. And press follow for more of such exciting videos daily.